पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत भारत के हाथ लगे हैं। पठानकोट एयरबेस हमले में पाकिस्तानियों के शामिल होने को लेकर दी जा रही भारत की दलीलों को इससे काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। पठानकोट हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अमेरिका ने 1000 पन्ने का डोजियर सौंपा है। एक खबर के मुताबिक इस डोजियर में हमले को लेकर जैश मोहम्मद के सरगना कासिफ जान की 4 फिदायिनों से हुई बातचीत भी रिकॉर्ड है। 2008 में मुंबई धमाके से पहले लश्कर के आतंकियों के बीच हुई बातचीत की तरह इस रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है। उस दौरान भी लश्कर के सरगना कराची से ही मुंबई धमाके की साजिश कर रहे थे। पठानकोट हमले के दौरान जैश मोहम्मद के 4 फिदायिन पाकिस्तान स्थित पंजाब का नासिर हुसैन, गुजरांवाला का अबू बकर और सिंध प्रांत का उमर फारूक और अब्दुल कयूम लगातार 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल लाते हुए कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी के साथ पूरा बकाया राशि अगस्त की तनख्वाह के साथ देने का ऐलान किया है। दरअसल 1 जनवरी से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन और साथ में जनवरी से जुलाई तक का वेतन बढ़ोतरी की बाकी रकम भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके बाद कुछ मसलों पर कर्मचारी संगठनों और सरकार में बातचीत हुई और फिर वित्त मंत्रालय ने अगस्त महीने के वेतन के साथ बाकी राशि भी देने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि कैबिनेट ने 29 जून को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। 7वें वेतन आयोग का करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव के करीबी को लगभग 80,000 रुपए का चूना लगा दिया। ये सब उसने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम लेकर किया। बीजेपी के विधायक मोहन यादव के पास 27 जुलाई को एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को अमित शाह का भांजा विराज शाह बताकर अपने साथ हुई लूट की कहानी सुनाई। बीजेपी विधायक मोहन यादव ने भी मामले को गंभीरता से लिया और अपने एक सहयोगी और पार्टी कार्यकर्ता नरेश शर्मा को GRP थाने भेज दिया। विधायक ने शख्स की बातों में आकर 80,000 रुपए विराज को देने को कहा। बाद में जानकारी मिलने के बाद विधायक ने उज्जैन के माधव नगर पुलिस थाने में 80,000 रुपए की ठगी की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हफ्ते भर से लापता विमान AN-32 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। भारत सरकार ने विमान की तलाश के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिकी रक्षा बलों से इस बात की मदद मांगी जा रही है कि क्या उनके उपग्रहों ने 22 जुलाई को कुछ सिग्नल पकड़े थे। 22 जुलाई को ही 29 लोगों को ले जा रहे ये विमान लापता हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे उपग्रहों के चित्रों के अलावा हमने अमेरिका से उनके चित्रों के लिए कहा है, ताकि अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों की इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी का पता चल सके। पर्रिकर ने यह भी कहा कि इस बात की आशंका कम है कि एयरक्राफ्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी। इस बीच AN-32 विमान में सवार एयरमैन रघुवीर वर्मा के परिजनों ने दावा किया है कि शुक्रवार सुबह रघुवीर के मोबाइल फोन पर रिंग हुआ है। परिवार का कहना है कि रघुवीर का एयरटेल नंबर ऑन था और इस पर कई बार घंटी बजी है। गुड़गांव में महाजाम की गाज पुलिस कमिश्नर पर गिरी है। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क का तबादला कर दिया गया है, उनको रोहतक भेज दिया गया है। संदीप खिड़वार गुड़गांव के नए पुलिस कमिश्नर होंगे, सरकार ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया। विर्क का दावा है कि पुलिस जाम छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन जो लोग जाम में फंसे हैं उनका आरोप है कि जाम की लंबी अवधि तक पुलिस कहीं दिखी ही नहीं। इलाके में फिलहाल मुसीबत जारी है। शुक्रवार दोपहर बाद से फिर से शुरू हुई बारिश के कारण मुसीबत और बढ़ सकती है। इलाके में एहतियातन धारा 144 लागू है। पुलिस ने दिल्ली के लोगों से गुड़गांव की तरफ नहीं आने की अपील की है। डीजी ने आपात बैठक के बाद एडवाइजरी भी जारी की है। हालात से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने जिम्मेदार विभागों के साथ की बैठक की। गुड़गांव पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि अगर वे दिल्ली से सड़क के रास्ते गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो ना आए। 8 अगस्त से आप दिल्ली से रेलगाड़ी में सवार होकर सीधे अगरतला जा सकेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना में ये एक और कड़ी होगी।
त्रिपुरा और दिल्ली के बीच रेलवे यातायात की शुरुआत 31 जुलाई को रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरी झंडी दिखाकर करेंगे। 31 जुलाई को रेल मंत्री प्रभु त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना करेंगे। इस साप्ताहिक ट्रेन का नाम आनंद विहार अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस होगा। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल और अगरतला के बीच हर सप्ताह चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल अगरतला त्रिपुरा सुंदरी वीकली एक्सप्रेस हर सोमवार को 8 अगस्त से चला करेगी। रात को 11:55 पर यह ट्रेन आनंद विहार स्टेशन से रवाना होकर अगले दिन रात को 11:45 पर अगरतला पहुँचेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कार्यकर्ता लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और मंच से राहुल उनका जवाब दे रहे थे, लेकिन राहुल के एक जवाब ने सबको हैरान कर दिया। अखिलेश को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि अखिलेश ठीक लड़का है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। दरअसल कार्यकर्ताओं की भीड़ तो सुबह से जमा हो गई थी, लेकिन दोपहर के वक्त तेज बारिश में सारे इंतजाम दम तोड़ते नजर आए। राहुल गांधी के पहुंचने तक बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन मंच पर उनका स्वागत करने वाले सभी नेता ऊपर से नीचे तक भीगे हुए थे। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उनके सवालों के एक के बाद एक जवाब करीब 1.5 घंटे तक दिए। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर को UPSTF के बिहार के बक्सर से दबोच लिया। दयाशंकर बिहार के बक्सर में अपनी नानी के घर से पकड़े गए। मऊ के CJM कोर्ट में दयाशंकर सिंह को पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वही गिरफ्तारी के बाद दयाशंकर ने कहा कि मेरे परिवार का अपमान करने वालों के खिलाफ यूपी के CM कदम उठाए। इसके पहले दयाशंकर की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो झारखंड के देवघर में अपने साथियों के साथ घूमते दिखे थे। फोटो में साफ दिख रहा है कि दयाशंकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। उस फोटो में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। वही गिरफ्तारी के बाद उनकी जो पहली फोटो सामने आई है, उसमें वो बड़े ही उदास और डरे हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में हुई मुठभेड़ में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी शफुल्ला बहादुर अली ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में कई नए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। NIA सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में बहादुर अली ने बताया कि उसे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज से दो बार मिलने का मौका मिला था। शफुल्ला बहादुर अली ये भी बताया कि उसे भारतीयों से बेइंतहा नफरत है, वो उन्हें मारने आया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अब एक डोजियर के जरिए सैफुल्ला बहादुर अली के इस कबूलनामे को पाकिस्तान के समकक्ष अलग से सार्क देशों के गृह मंत्री की मीटिंग के दौरान उठा सकता है। जब NIA ने पूछा कि आपका अमीर कौन है, तो बहादुर अली ने कहा, चाचा जानकारी के मुताबिक चाचा कोई और नहीं, हाफिज सईद है। पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दी। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा, पंजाब इलेक्शन में 6 महीने बचे हैं, मुझे अरेस्ट कर ले, नहीं तो मैं मजीठिया को गिरफ्तार करवाऊंगा। बता दें कि केजरीवाल और मजीठिया अपने अपने सपोर्टर्स की भारी भीड़ के साथ कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि BS मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने के सबूत है, इसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद नाराज मजीठिया ने केजरीवाल, पंजाब प्रभारी संजय सिंह और आशीष खेतान के खिलाफ केस किया था, जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल और संजय को 40,000 के बांड पर बेल दे दी। वही आशीष तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सके। भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विवादास्पद 31 मंजिली आदर्श सोसाइटी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया कि सैन्य अधिकारियों का एक दल बंबई हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ कोलाबा स्थित इस गगनचुंबी इमारत को आदर्श सोसाइटी से अपने कब्जे में लेने और सुप्रीम कोर्ट में लंबित सोसाइटी के मामले के दौरान किसी भी अतिक्रमण या तोड़फोड़ से सुरक्षित करने के लिए इमारत स्थल पहुंचा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में आदर्श सोसाइटी की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक आदर्श सोसाइटी इमारत को कब्जे में ले लिया जाए। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना इस इमारत को आदर्श सोसाइटी से अपने कब्जे में ले रही है।
ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और इस पर कोई अतिक्रमण न कर। चिंकारा का शिकार करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के दो दिन बाद मामले के एक मुख्य गवाह ने राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। मुख्य गवाह हरीन तुलानी ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने कहा है कि उसे और उसके परिवार वालों को अज्ञात व्यक्तियों की ओर से जान का खतरा है। उसे और उसके परिवार को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अपने वकील अनिल गौर के जरिए कटारिया को भेजे गए पत्र में तुलानी ने कहा कि सलमान को बरी किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से कुछ अज्ञात लोग उसके और उसके घर के आसपास देखे गए हैं और ये लोग उस पर तथा उसके परिवार वालों पर नजर रख रहे हैं। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट आज शाम से किंगस्टन के सबीना पार्क स्टेडियम से खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने इनिंग और 92 रन से मेजबान को हराया था। कप्तान विराट कोहली टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पहले मैच में तकरीबन सभी प्लेयर्स ने जोरदार परफॉर्म किया। खुद विराट ने 200 रन की पारी खेलकर ढेरों रिकॉर्ड अपने नाम किए। सेंचुरी और 7 विकेट लेने वाले आर अश्विन पर भी नजरें रहेंगी। टीम इंडिया 12 से 15 अगस्त 2015 को खेले गए टेस्ट मैच में श्रीलंका से आखिरी बार हारी थी। उसके बाद से 7 मैच खेले जिसमें से 6 जीते और 1 ड्रॉ रहा। टीम कोहली ने श्रीलंका को 2, साउथ अफ्रीका को 3 और वेस्टइंडीज को 1 मैच में हराया है।